रहना पड़ेगा, मगर कांग्रेसी कार्यकर्ता हमेशा अनुशासन में रहता है। गंगापुर विधानसभा में 2008 से 2013 का कार्यकाल देख लीजिएगा रामकेश मीना का, और 2018 से और आज तक का कार्यकाल देख ले लिया, वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, चाहे किसी जाति बात के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमेशा कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, सबको एक साथ रखकर गंगापुर सिटी के इतिहास में आज गंगापुर राज्य के अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा मिला है, कॉलेज को पीजी का दर्जा मिला हुआ है, वजीरपुर क्षेत्र को एसडीओ कोर्ट, तहसील तलाड़ा उप तहसील में पीएससी सीएससी ऐसी कई, और गंगापुर राज्य के अस्पताल में सोनोग्राफी सीटी स्कैन मशीन की सौगात, और आईटीआई कॉलेज, ऐसी कई रोडें, और हाल ही में जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है पूरी गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र को। अभी तो क्या है, सीवरेज का काम चल रहा है, सीवरेज का काम खत्म होते ही गंगापुर में उच्च क्वालिटी की सड़क बनेगी 20 किलोमीटर क्षेत्र में, उस नगर परिषद के क्षेत्र में ऐसी उच्च क्वालिटी की सड़क बनेगी जो आपको देखने लाग रहेगा। ऐसा विकासशील विधायक आपने गंगापुर की जनता ने दिया है रामकेश मीणा के रूप में, ऐसे कई वो हैं। हम सिर्फ विकास और वादों पर विश्वास करते हैं, देश को लूटने का काम भाजपा करती है, देश के लोगों को गुमराह कर उनके साथ छलावा कर सत्ता में आने का काम भाजपा के लोग करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा त्याग बलिदान और देश को आजादी दिलाने में संघर्ष किया है। कांग्रेस के राज में आज छोटा सा एक उदाहरण दे दूं, खाद्य पदार्थ का तेल, सरसों का तेल कभी भी कांग्रेस के राज में 50-60-70 रुपए किलो रहता था, जो आज वर्तमान में हमारी माता बहनों से पूछ लो 180 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दोस्तों, रसोई के गैस में हमारे लोगों को उल्लू बना दिया, आम जनता को सब्सिडी दूंगा। अरे और तो छोड़ो, गरीब को जो बीपीएल चयनित परिवार को शक्कर मिला करती थी, आपको ध्यान हो तो, शक्कर मिला करती थी गरीब बीपीएल परिवार को, वो राशन की चीनी भी आपने मोदी जी बंद कर दी, गरीब को मीठे का निवाला छीन लिया। आप क्या रोजगार दोगे, क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दोगे, क्या किसानों को 15 लाख रुपए दोगे? हमारा किसान जो दिल्ली पे सड़क पर पड़ा है, उनकी तो सुन नहीं रहे हो आप देश के। मगर दोस्तों, सभी लोग समझ गए हैं, आम जनता देश की समझ चुकी है, आने वाला 2024 का चुनाव देख लीजिएगा, इनको रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। देश में पुनः आम जनता के सहयोग से, पूरे देशवासियों के सहयोग से कांग्रेस सत्ता में आएगी, और देश के सभी जाति सभी धर्मों को साथ लेकर पुनः देश को ऐसी ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। ये आम जनता की आवाज है, हम व्यक्तिगत आवाज नहीं दे रहे हैं। ऐसी कड़ी में मैं आगे अगले वक्ता के रूप में, समय काफी हो चुका है, 1 बजे तक का हमको चाय में हम सीनियर लीडरों को आमंत्रित करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व नगर परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष पार्षद आदरणीय घनश्याम जी रावत जी, आप आए और इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। आदरणीय घनश्याम जी रावत साहब, सम्माननीय भाई हरगोविंद जी कटारिया, भाई मुकेश जी देहात, काजी अनवर अली जी, भाई सफरुद्दीन जी और सभी सरपंच साहिबान, नगर परिषद के सभी हमारे पार्षदगण और यहाँ विराजमान मातृशक्ति और सभी पूजा के योग सभी कांग्रेसजन, अभी ये जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के विरोध में, अभी सभी वक्ताओं ने आपके सामने रखा कि भाई पेट्रोल भी महंगा है, आपके डीजल भी महंगा है, खाद्य पदार्थों में हमारा जो तेल है और जो हमारे टाइम में कांग्रेस के टाइम में जो 60 रुपए का था वो आज अमूमन 200 रुपए किलो के करीब सरसों का तेल बिक रहा है, तो महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार खत्म हो गए, और जो हमारे मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय लोकसभा के जो 1914 के चुनाव थे उन्होंने वादा किया था
कि मैं मेरे को 60 दिन दीजिए, मैं जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया वो मैं 60 दिन में करके दिखाऊंगा। आज मैं पूछता हूं भाई मोदी जी, आपको 7 साल हो गए, आपने जो कांग्रेस काल, और जब भी वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे भाई 70 साल में कांग्रेस के टाइम में क्या सूर्य उदय नहीं होता था या चंद्रमा उदय नहीं होता था? कांग्रेस ने तो वो कार्य किया जो हमारे देश में सुई नहीं बनती थी और बड़े बड़े कल कारखाने नहीं थे, तो ये कांग्रेस की तो देन है। आप तो इनको बेचना चाह रहे हो, कांग्रेस ने इनको बनाया, लोगों को रोजगार दिया, आप तो बड़े बड़े जो हमारे सरकारी उपक्रम है उनको चला के आप ठप कर रहे हैं। आप BSNL को देख लिए, BSNL जो दूसरे को देता था वो आज BSNL की हालत ये है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मैं तो आप अभी जो है मोदी सरकार को जगाने के लिए आज बहुत अच्छा हमारे कांग्रेसियों ने एक ये निर्णय लिया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने, और उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए, मैं तो यहाँ हमारे संगठन के लोग बैठे हुए हैं, इनसे पुरजोर निवेदन करूंगा कि वास्तव में आज हमारी कांग्रेस की ये दशा क्यों हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि आज हमारा जो सदस्य है, आज हमारा जो कार्यकर्ता है, उसकी पूछ बहुत कम हो गई, और उसका मुख्य कारण क्या है, जब हमारे कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होगा या हमारी कोई मानेगा नहीं, आज सरकार हमारी है, सारा काम हमारा है, उसके बाद भी हमारा कार्यकर्ता अगर भटकता है तो इसमें दोष किसका है? आज हमारा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, सरकार हमारी है, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को हम अगर मिलाएंगे, आज वो संगठन में क्यों मजबूत है, उनका मुख्य कारण है आज विपक्ष में है यहाँ, तो भी वो एक संगठित एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के उसमें दुख दर्द में जाते हैं। आज हमारा कार्यकर्ता कोई बीमार है तो हमको यही पता नहीं है कौन कार्यकर्ता बीमार है, हम पूछते नहीं है भाई महीने भर से वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इससे मतलब नहीं है, भीड़ तंत्र से, भीड़ तंत्र का मतलब ये नहीं है, लेकिन सवाल ये है जो कुछ भी है वो तो संगठित रहे। आज हम आप देखें एक गेहूं है, गेहूं में 1% कंकर रहते हैं और 99% गेहूं रहते हैं, उसके बाद भी वो 1% में इतनी एकता है कि अगर बिना आप छाने हुए बिना सफाई किए उन गेहूं को अगर चक्की में पिसवा लोगे तो वो 1% आपका खाना हराम कर देंगे, आने ही नहीं देंगे। तो हमारा जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले हम हमारे संगठन को मजबूत करें और लड़ाई जब भी लड़ी जाएगी, तो मैं आप लोग यहाँ पधारे, हम लोगों को यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत भाई मुकेश जी का और हमारे हरगोविंद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे गांवों के जनप्रतिनिधि सरपंचों की ओर से जो ओजस्वी भाषण देने वाले हैं मैं आमंत्रित करूंगा, शाड़ौली के सरपंच भाई तेज सिंह जी चौधरी आए और आप इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। आदरणीय तेज सिंह जी जाट ग्राम पंचायत सरपंच शाड़ौली पधारे साहब। परम सम्माननीय आज के इस सभा के सभापति महोदय कटारिया साहब, देहात ब्लॉक अध्यक्ष भाई मुकेश जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाई पूर्व सरपंच साहब काई साहब, पधारे हुए ब्लॉक से मेरे सभी बुजुर्ग कांग्रेसी जन, शहर से पधारे हुए मेरे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान मेरी मातृशक्ति, सामने जो भी विराजमान है बैठे सभी मेरे कांग्रेसजनों, आज ये धरना प्रदर्शन महंगाई के ऊपर था। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने महंगाई पे बहुत कुछ बोला है और अपन सब जानते हैं कि महंगाई किस चरम पे पहुंच चुकी है। मोदी जी जब आए थे जब क्या भाव था और आज क्या भाव है, ये चलता रहेगा, बातें खूब हो रही, अपन सबको विदित भी है। अभी आदरणीय भाई साहब घनश्याम जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उससे बहुत बढ़िया सहमत हूँ।
मेन चीज है कार्यकर्ता। जब तक कार्यकर्ता का पूछ नहीं होगी, हमारा संगठन इस तरह चलता रहेगा। आपने बुला लिए, अपन आ गए, भाषण दे लिए, चले गए। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और ये मुझे पता है कि मेरे गांव में मेरी क्या पोजीशन होती है कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए। सत्यता है और फिर हम हमारी कहीं बात रखते हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी उससे पूर्व मेरे युवा साथी भाई पवन मीणा जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सटीक शब्दों में बहुत अच्छी बात कही। धरना प्रदर्शन हमने भी देखे 30 साल से, हम भी आते हैं जाते हैं, बड़ी शांति प्रिय हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा ज्ञापन देते हैं। कल का भी धरना प्रदर्शन था यहाँ। इस तरह का धरना प्रदर्शन हमारी 25-30 साल के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा इस तरह का। वो धरना कोई नेताविहीन धरना नहीं था, कोई वगैरह नेतृत्व के धरना नहीं था। इस तरह का धरना देना माननीय SDM साहब के साथ में, इस तरह के वसूली करना प्रशासन के साथ में, इस तरह से वसूली करना, टेबल को बजाना, तोड़फोड़ करना, ये एक असहनीय बात है। हम इस मंच के माध्यम से घोर शब्दों में निंदा करते हैं इसे कल के धरने की। धरना प्रदर्शन हमने भी किए, हमने 8-8 दिन यहाँ तक तंबू लगाए यहाँ। हमारे कार्यकर्ता कोई भी किसी भी प्रकार का अपशब्द बोलना या कोई हिंसात्मक तरह का आंदोलन करना, ये हमारे उसमें नहीं है, रूल में। तो मेरा मेरे बुजुर्ग कांग्रेस जन यहाँ बैठे हैं, युवा साथी भी है, भाई पवन मीणा ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। हमको कल का जो इस तरह का निंदनीय अशोभनीय जो आंदोलन था, उसके खिलाफ हमको भी एक ज्ञापन देना चाहिए सभी कांग्रेसियों को मिलकर, और समझाना चाहिए कि हमको हल्के में न लें। लेकिन हम उस राह पर नहीं चलना चाहते जिस राह पर वो लोग चल रहे हैं। हम हमारी बात को बहुत ही सटीक शब्दों में रखना चाहते हैं और मेरा तो यही निवेदन है कि अपन जब भी कभी मीटिंग होती है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पधारो, अपनी अपनी बात रखो, ताकि अपन का एक संगठन चले और किसी को लगे। राम राम साहब, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेरे बड़े भाई तेज सिंह जी चौधरी। अब समय भी काफी हो चुका है, अगले हमारे बीच में अब 2 सीनियर लीडर हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सिटी के ब्लॉक अध्यक्ष जी बोले, उनसे पहले हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय अनवार अली काजी जी आप आए और इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। आदरणीय अनवार अली जी काजी, आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष हमारे साथी भाई हरगोविंद जी कटारिया जी और इस मीटिंग को और गंगापुर की कांग्रेस को चलाने वाले भाई मुकेश देहास अध्यक्ष, कांग्रेस के साथ इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, और रावत जी, सभी सरपंच गण, पार्षद गण और कांग्रेस के सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं, आज हमारा मकसद जो है वो ये है कि बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब तक थी, जब तक महंगाई पर, रोजगार पर, भाईचारे पर, सब चीज पर हमारा कंट्रोल था, लेकिन आज बीजेपी की जो सरकार आई है, इन्होंने देश की इतनी बड़ी महंगाई कर दी कि आज हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। डीजल पेट्रोल की बात ही नहीं है, हर चीज पर महंगाई है। लेकिन हमारे देश के लोगों की भी गलती है कि हमने एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, एक गधे पर हाथी के बराबर वजन रख दिया तो गधा तो जमीन पर बैठेगा ही, उसने जिंदगी में देखा क्या था।
जो आदमी 120 करोड़ की जनता को संभाल सकता है, अरे वो अपनी घर की बीवी को नहीं संभाल सका, उसने कभी अपनी घर की बीवी की सूरत नहीं देखी। हमारे देश के इस भोली भाली जनता ने ऐसे गधे को प्रधानमंत्री बना दिया जिस पर देश का वजन नहीं झेल सकता। दोस्तों, ये भारत एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक कुएं पर पानी भरते हैं और एक नल से पानी भरते हैं, लेकिन इन्होंने देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांट दिया। आज हिंदू और मुस्लिम में इतनी नफरत पैदा हो गई कि एक दूसरा देश का, एक दूसरा भाई का भाई दुश्मन बन रहा है। ऐसे लोगों से, इन नक्कालों से सतर्क रहेंगे और हम इस धरने प्रदर्शन से कोई बात नहीं होगी। इनका जवाब होता है चुनाव में इन्हें वोट नहीं देना। इनके गाल पर तब तमाचा लगता है जब ये चुनाव हारेंगे। आज अगर देश के लोग इन्हें, चार दिन बाद फिर वो एक मीटिंग होगी, बीजेपी अपना जहर उगलेगी, ये सर्प है इस देश के, सबको डस जाएंगे। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट इनने नीलाम कर दिए, रेलवे लाइन नीलाम कर दी, और माल्या और मोदी को बाहर भगा दिया। अमित शाह जैसे हिस्ट्री सीटर, जिले बदर देश के गृह मंत्री बने हुए बैठे हैं। इन नक्कारों ने इस देश, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा इस मुल्क के लिए खतरनाक है। इनसे सतर्क रहना है और देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय हरगोविंद सिंह कटारिया से निवेदन करूंगा कि आप इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। आदरणीय कटारिया जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात के अध्यक्ष भाई मुकेश जी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई अनवर जी सरपंच काजी साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम जी रावत साहब, हमारे वर्तमान में जो है जो पार्षदगण नियुक्त हो गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि एक प्रोग्राम में आप आए और बोलने वाले बोले भी बहुत अच्छे थे। हमारे जिला परिषद के सभी जो नवीन अभी चुनाव जीते जिला परिषद के सदस्य भी विराजमान हैं, उनको धन्यवाद। हमारे पंचायत समिति के सदस्य भी हैं यहाँ पर, उनको धन्यवाद। हमारे पूर्व सरपंच, हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, राजकुमारी जी कर रही है नेतृत्व, दो बहन बैठी है हमारी, और हमारे सभी जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मुझे अच्छा लगा। बहुत प्रभावशाली लोग भी आज इसमें आए, वो आते हैं हमेशा, लेकिन आज बहुत अच्छे अच्छे घरों के जिम्मेदार लोग जिनने चलाई है कांग्रेस, वो भी आए, और उनकी सात पीढ़ी ने कांग्रेस चलाई है वो भी आए। इससे हमको आत्मबल मिला। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस का काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। भाई ये जो बढ़ रहा है मामला, बेरोजगारी का देख लो, गैस का देख लो, अरे रेल का देख लो, जो नारायणपुर टटवाड़ा में जो 5 रुपये में लोग जाते थे, अब 50 रुपये में जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगा लो। और क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, किससे बढ़कर कोई नहीं हो सकती। साथियों, ये हम मानते हैं और भाषण देते आए कि देश को कांग्रेस ने आजाद कराया, देश को कांग्रेस के नेताओं ने आजाद कराया। देश में जितना भी विकास हुआ, चाहे वो फौज तैयार हुई, मिलिट्री तैयार हुई, चाहे पानी की व्यवस्था हुई, चाहे जगह जगह सड़कें बनी, जगह जगह नए नए विभाग खुले विकास के लिए, वो कांग्रेस के राज में ही खुले।
इनके राज में तो आपको कोई नगर परिषद में एक कोटरी भी इनके नेतृत्व में नहीं बनी। इस बात को कांग्रेसी कहते ही रहना, देश को आजाद कांग्रेस ने कराया, देश कांग्रेस के जमाने में महंगाई बिल्कुल नहीं थी। आप ये गीत गाते रहो, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह का वरदान, गुरु नानक का वरदान, ईसा मसीह का वरदान और भगवान राम का वरदान दिया हुआ है, जो 10 साल आपको भोगना पड़ेगा। साथियों, जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के जब वनवास में गए, जब अयोध्या के लोग उनको छोड़ने गए थे, सारी जनता राम जी को और सीता को छोड़ने गई, लक्ष्मण को छोड़ने गए, उस पीरियड में भगवान ने सरयू नदी पे कहा कि भाई अब मैं तो जा रहा हूं, राक्षसों का वध करूंगा, मेरा कार्य जो वरदान दिया है मुझे माँ को दे के आया हूं पूरा करूंगा, मैं जा रहा हूं, और आप सारे नर और नारी अयोध्या लौट जाइए। सारे नर और नारी अयोध्या लौट गए वापस, लेकिन मां हिंजड़े बैठे थे। तीसरा वरण, उनने कहा केवल नारी को और नर को ही भेजा भगवान ने अयोध्या में, हम खा जाएंगे, वो सब वहीं बैठ गए। सरयू नदी पर जब भगवान 14 वर्ष वापस लौटे, जब राम जी का दिल दहल गया, मालिक का दिल दहल गया कि हुआ क्या, सारे लोग अयोध्या में ये यहीं क्यों बैठे, 14 वर्ष परेशान हुए ये, तो भाई उनसे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं गए वापस, 14 वर्ष क्यों परेशान हुए, कि महाराज भगवान राम आपने ये कहा था कि नर और नारी अयोध्या में वापस जाइए, तो न हम नर हैं न नारी है, हम कहा जाए, हम आपका नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यहीं बैठे 14 वर्ष हो गए, जाओ 12 साल का राज तो मैं देवताओं को देता हूं, तपस्या करता है उसको देता हूं, आपको 10 वर्ष का राज देता हूं, कलयुग में तुम्हारा भी राज आएगा। जो निषाद राज जो नाम लिया वो तो मोदी जी है, और सारे हिंजड़ों का राज भारत देश में हो गया, 10 साल पूरा करके हटेंगे, देश को बर्बाद करके हटेंगे। महंगाई में क्या समझते, इंदिरा गांधी ने कहा दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, 3 चीज से देश चल सकता है, शासन चल सकता है। इन लोगों का बस का रोग नहीं है, जानते ही नहीं है देश को चलाना। आपने देखा क्या जोरदार भाषण देते, कभी राम का मंदिर, कभी हिंदू और मुस्लिम, दुनिया भर की नई नई चीज ये लेके आते हैं, और लाने के बाद में इनको राज भी मिल गया। राज तो इनके झूठ बोलने से मिल रहा है, लेकिन वरदान तो ऊपर वाले का है, इसलिए इनका राज का म्याद पूरी होने वाली है, कोई चिंता मत करिए, इन लोगों का अंतिम संस्कार होने वाला है। ये लोग देश को चला ही नहीं सकते। आज मूलभूत सुविधा केवल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें यही नहीं, जो मूलभूत सुविधा आदमी को जो गृहस्थी के लिए चाहिए, सब चीज महंगी हुई है इस समय। और बेरोजगारी के नाम पर इनका इतिहास बताए, कितने लोगों को नौकरी दी इन्होंने, कोई इन्होंने बहुत बड़ा अस्पताल खोला, कोई कॉलेज खोले, इनके राज में कोई विकास नहीं होता है। विकास तो कांग्रेस पार्टी करती है, राजस्थान का इतिहास है, नौकरी अभी रीट की में कितनी जोरदार व्यवस्था की इन्होंने, अशोक जी गहलोत ने। आज हमारा जितनी भर्तियां इस समय हो रही है, इनके ऊपर केंद्र में कहीं भर्ती नहीं हो रही है। साथियों, काम जो करेगा उसको जनता समझ रही है। कांग्रेस पार्टी किसान की है, कांग्रेस पार्टी मजदूर की है, कांग्रेस पार्टी कर्मचारी की है, कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों, जो ये 4-5 हैं जो भाजपा के हैं, उनकी देखरेख भाजपा कर रही है, लेकिन नीचे का स्तर पर जनता का अगर कोई देख रेख और जिम्मेदारी है, और इनको कैसे चलाना है, उसके लिए तो कांग्रेस है साथियों, जो सबको साथ दे रही है। आप लोगों से आग्रह, ये जानते ही नहीं है देश को चलाना, इनका तो इतिहास रहा है। मैंने एक बार मंडी में कहा, आप लोगों से मंडी में मैंने भाषण दिए कि एक टाइम था, एक राजा था, राजा उसके पुत्र नहीं था, तो जब पुत्र नहीं था तो उसने श्रीमान जी ने
उस किस्से को नहीं कहना चाहता हूं, बार बार ये भाजपा के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और जनता में ये कोई बड़े फैसले में कोई बड़ी सभा में कहूंगा, साथियों मैं तो इतना ही कहता हूं कि इन लोगों ने आज जो देश की हालत किए, देश को पीछे डाल दिया, हमारी रेलवे को गिरवे रख दिया एक तरह का, जो प्राइवेटों को दे रहे, फिर तुम्हारा क्या काम है देश चलाने का। आज देखिए हवाई अड्डों को दे रहे, पूरे देश को ही अभी गिरवे रख देंगे ये प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे तो मन मर्जी होगी, देश पीछे जाएगा। लेकिन साथियों इनका अंतिम संस्कार के लिए जनता व्यवस्था कर रही है, जनता दुखी है, किसान एक आप ही देखिए, देश का किसान, देश का जवान, आज किसान पूरा जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में पूरा एक साल होता रहा, 6 महीने हो गए हड़ताल पे बैठा, अपनी मांगों को मांग रहा है सरकार से, और सरकार के परवाह नहीं है। सरकार की हालत कांग्रेस में अच्छे पक्ष में किसान आ चुके हैं, कांग्रेस किसानों के साथ है, ये अच्छा मैसेज हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने दिया है। इसके लिए हम सब मिलकर इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तैयार रहे। अभी ये कहा हमारे भाइयों ने कि कांग्रेस संगठित रहनी चाहिए, साथियों कांग्रेस की मीटिंग स्थानीय स्तर पर अब ज्यादा लेंगे, स्थानीय स्तर पर, और हम हमारे जो भी समस्या है हमारे कार्यकर्ता की, हमारी जो कोई भी परेशानियां हैं उसको हम बिल्कुल मीटिंग में तय करके, हमारे विधायक साहब बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, धार्मिक आदमी है, विकास के नाम पर इनने जो काम किया है, भाजपा उनके ताकड़ी में तोला जाए तो बहुत ऊंचा पासन जाएगा, इनने विकास ज़्यादा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कल की मैंने घटना देखी, ये लोगों ने बताई, बाजार में चर्चा हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं की निंदा हो रही है, तो निंदा का काम इन्होंने जो किया है तो निंदा होगी। साथियों मैं सही बात बता रहा हूँ, ऐसा प्रशासन, ऐसा एडीएम, ऐसा एसडीएम और ऐसा तहसीलदार, ऐसा बीडीओ, ऐसा एडिशनल एसपी, ऐसा डीवाई एसपी जिसको हरिश्चंद्र भी कह सकते हैं, ऐसे हमारे सीआई तीनों थाने के, और हमारा प्रशासन इतना जोरदार है, सामंजस्य बना हुआ है, इन्होंने कोरोना को जीता है, इन्हीं की मेहनत थी। सारा प्रशासन आज की डेट में हमारा जो रामकेश जी ने लगाया है उनकी प्रशंसा हम गंगापुर में हो रही है, प्रशंसा का कार्य करते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, और इन्होंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। अपने डिपार्टमेंट से बाहर हटकर मीटिंग करते और मिलजुल कर हमारी समस्या का समाधान करते, जनता की परेशानी दूर करते हैं। आप देखिए उन पे ही हमला कर दिया, ये कौन सी मांग रखी भाई लोगों ने, अरे ये आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र है, अपनी बात को रखते, प्रशासन का अपमान करना, अनुशासनहीन आंदोलन करना, ये शोभाजनक बात नहीं है। लेकिन आप भगवान राम के वरदान से आए हुए हो और वही भाई हो जो दो वर्णों से स्त्री और पुरुष के मध्य वाले हो, तुम्हारा कर्म यही रहेगा, यही करते रहना, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अब रहा सवाल, आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, मौका मिला आपकी सेवा का, और हम सबको जब भी जरूरत पड़े जनहित में, जनता की परेशानी के लिए, कांग्रेस के ऊपर के निर्देश की पालना के लिए जब जब भी जरूरत पड़े, साथियों कुछ गलती हम इस मंच पर मानते हैं कि हम इस फौज के कप्तान तो बने हुए हैं लेकिन हम स्वयं निष्क्रिय हैं, हम विचार नहीं करते हमारे कार्यकर्ता की परेशानी के लिए। लेकिन आज स्वास्थ्य भी हमारा खराब चल रहा था, हम भी टाइम पास कर रहे हैं, आज गांधी जी के सामने कह के जा रहा हूं कि पद से रिजाइन कर दूंगा यदि मेरे कार्यकर्ता की आवाज, मुकेश तू भी संकल्प ले मेरा साथी है, अगर हम कार्यकर्ता का भला नहीं कर सकते तो इस पद पे रहना हमारे लिए धिक्कारता का प्रचारक होगा। हमको हमारे आदमी की समस्या, आम जनता की समस्या के लिए
अगर हम विधायक से प्रशासन से जाके नहीं रखेंगे, काम को नहीं कराएंगे, तो ये हमारा बना रहना ठीक है ठीक नहीं होगा। हरगोविंद कटारिया सबसे पहले गांधी जी चनित में रिजाइन दे देगा। जय हिंद जय भारत। आदरणीय कटारिया जी, आप भी बहुत पावरफुल हैं। मैं बताता हूं, आपके और हमारा जो विधायक है वो हमेशा कार्यकर्ताओं पे, कार्यकर्ताओं की भावना को, कार्यकर्ता के कामों को तरजीह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हो, कार्यकर्ताओं पर और कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार आती है। मैं आपको, मैं सभी कांग्रेसजनों से निवेदन करता हूं, अभी साल भर का समय, डेढ़ साल का समय कोरोना में निकल गया, उसके बाद में चुनाव आ गए, कार्यकर्ता और नेताओं को काम करने का मौका नहीं मिला, मगर अब जो दो वर्ष का कार्यकाल है ये कार्यकर्ताओं का कार्यकाल है। और माननीय विधायक श्री राम के जी मीना कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कदर कर, जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो उनको निर्देश देगा, जो उनको बताएगा, उनके सारे काम चाहे नगर परिषद क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, उनको तरजीह देकर उनकी बात को सुनी जाएगी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं। और हमारे गंगापुर के प्रशासन, मैं मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, पूरे राजस्थान का प्रशासन ले लो, चाहे गंगापुर सिटी के विधायक श्री राम के जी मीना के जो प्रशासन लगा रखा है, पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन कोई भी विभाग में ले लो, ऐसा प्रशासन जो आम जनता की बात को सुनता है, आम जनता के गरीब अमीर सबकी बात को सुनकर उनका निर्णय करता है, ऐसा गंगापुर सिटी का प्रशासन बहुत ही अच्छा अपना कार्य कर रहा है। विधायक महोदय को हम धन्यवाद देंगे जो गंगापुर सिटी में अच्छा प्रशासन लगा रखा है। आगे की रणनीति के लिए माननीय विधायक महोदय जी 1 तारीख को आ रहे हैं, अपन 2 तारीख को फिर अपन को इकट्ठा होना है, आगे की रणनीति, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी तादाद में माननीय विधायक जी से राय लेकर एक बहुत बड़ा ज्ञापन देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप इतनी बड़ी तादाद में ग्राम पंचायतों के सरपंच, नगर परिषद के पार्षदगण, मनोनीत पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, युवा टीम के सभी साथी इतनी बड़ी तादाद में पधारे, आपका हृदय से तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत। जय हिंद जय भारत, जय जय कांग्रेस, जय जय राजस्थान। धन्यवाद सर।